तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू होंडा एलिवेट। आज होंडा ने अपनी ऑल न्यू एलिवेट को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आपकी ऑल न्यू एलिवेट होंडा की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग हो गई है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की, यानी कि अगर आप क्रेटा, सेल्टोस या ग्रैंड विटाला लेना चाहते थे, यहाँ पर होंडा की तरफ से एलिवेट आ गई है। उनसे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर फील होगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें, टोटल आपको यहाँ पर 4 मॉडल ऑफर किए गए। बेस मॉडल इसका एसयूवी है, स्टार्टिंग प्राइस है 11 लाख रुपये एक शोरूम। मतलब इतना ज़्यादा अफोर्डेबल सेंस में गाड़ी को बनाया गया है ना, एक तरीके से हर किसी के बजट हिसाब से इसको देखा गया है। अगर टॉप एंड मॉडल देखेंगे, मेरे सामने जो अभी है, इसकी एक शोरूम प्राइस है 14,90,000 रुपए। इसमें ही अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको 16 लाख रुपए में ऑटोमेटिक मिल जाएगा होंडा के आईवीटेक पेट्रोल इंजन के साथ। मतलब बहुत ही सही वेरिएंट यहां पर रखे गए, सबको समझाता हूं आपको। उसके अलावा की फॉब देखेंगे, इस प्रकार से शानदार सी की फॉब आपको मिलेगी। बेसिक लॉक अनलॉक के फंक्शन है। उसके अलावा होंडा का यहां पर आपको बैजिंग मिलेगी। कैसी लगी की फॉब जरूर बताना। उसके अलावा जो कलर प्रोफाइल है ना, बहुत ही सारे ऑप्शन है। टोटल यहां पर आपको 7 कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें हर किसी की पसंद के सारे कलर ऑप्शन है। हाँ, जो बेस मॉडल लेगा उसको सिल्वर और व्हाइट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉप एंड मॉडल है, अलग अलग कलर ऑप्शन दिखेंगे। फोनिक्स ऑरेंज पर्ल आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, ये इसका VX मॉडल है जो कि इससे नीचे प्लेस किया गया। इसकी प्राइसिंग फंक्शन ये भी समझाता हूँ। ये देखो इसका टॉप मॉडल कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है ना। इस गाड़ी की सबसे अच्छी खास बात है, गाड़ी के अंदर स्पेस भर भर के मिल रहा है आपको। मतलब अगर इसे क्रेटा से आप कंपेयर करेंगे, इस गाड़ी की लंबाई क्रेटा से 12 mm ज़्यादा है। उसके अलावा गाड़ी की चौड़ाई क्रेटा के आसपास है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। वही इस गाड़ी का जो करैक्टर है वो आपके सामने रखेगी। गाड़ी में आपको एक बोल्ड अपील दी गई है, थोड़ी गाड़ी मस्कुलर बनाई गई है। मतलब जैसे नॉर्मली आजकल स्लीक लुक मिलता है गाड़ी में, वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक दमदार, भारी भरकम, जिस तरीके से आपको ना थोड़ा फॉर्च्यूनर, एक थार वाला फील आता है ना, वही गाड़ी को देख के आएगा। अच्छी दिखाई देती गाड़ी। उसके अलावा रियर में देखेंगे, एलिवेट की बैजिंग है। इस तरीके की आपको यहाँ पर टेल लैम्प मिलेंगे। टेल फंक्शन में होंडा ने थोड़ा सा बेसिक रखा है, मतलब टेल लैम्प सारे दिए हैं। मतलब जो लोग चाहते हैं ना कनेक्टिंग टेल लैम्प, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी होंडा आपसे चार्ज नहीं कर रहा है। बेसिक फंक्शन जो गाड़ी में होने चाहिए वो सारे हैं। उसके अलावा खास बात है ना, ये इसका VX मॉडल है। ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो थोड़े एक्स्ट्रा फीचर है, अंदर जो प्रीमियम इंटीरियर है, वो कहीं ना कहीं थोड़े अंतर तो रहेगा ना, वो देख लो। उसके अलावा देखिए, ये भी आपको लगे हाथ दिखाना है, यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल नहीं रहेंगे VX में। और उसके अलावा जो ये इंटीरियर सेंस आप देख रहे हैं, इसमें भी कोई नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन भैया जो यहाँ पर टॉप एंड मॉडल एलिवेट अपने साथ ला रही है, वो अपने में अलग ही लेवल की चीज़ है। ये सारे फंक्शन देखिए कितने ज़्यादा शानदार लग रहे हैं। अब मुझे समझाना है एलिवेट का टॉप एंड मॉडल, लेकिन यहाँ पर लाइटिंग फंक्शन आपको दिखाना है, इसलिए ये देख लीजिए VX की लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है। इससे पहले मैंने आपको थाईलैंड के अंदर अपनी WRV दिखाई थी, वहाँ पर भी सिमिलर लाइटिंग, मतलब जो इंटरनेशनल डिज़ाइन है वो है, लेकिन ऐसा है कि सिंपल रखा है, ओवरडू नहीं किया गया है, और काफ़ी लोगों को यही पसंद आता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। आइए चलिए एलिवेट के टॉप एंड मॉडल में। तो यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन फंक्शन रखा गया, कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सेसरी भी इसमें दिखाई देगी, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए ना, एलिवेट का जो टॉप एंड मॉडल है वो अपने में इतने ज़्यादा अप मार्केट एक तरीके से इंटीरियर को दे रहा है। हर किसी ने जो भी इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है, सब ने बिल्कुल पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट दिया है। ये सेगमेंट ये चीज़ें नहीं देता है। जीप कंपास आपको देती है ऐसी चीज़ें, जो कि ये टैन लेदरेट की फिनिश देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सनरूफ आपको यहाँ पर होंडा देती है, 10.25 इंचेस की स्क्रीन दे रही है। प्राइसिंग के हिसाब से हर एक मॉडल डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जो VX मॉडल है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, इसमें भी सनरूफ आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी सही रखी गई है। अभी देखते हैं, अब चलिए सीधे सीधे अपनी टॉप एंड मॉडल के लुक्स को समझने के लिए। इसमें आपको 8 इंच की स्क्रीन मिलेगी, तो ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। बाकी डोर का थर्ड, डोर का वेट बिल्कुल प्रॉपर, जो होंडा की जैपनीज क्वालिटी है ना, हर जगह आप फील करेंगे। तो ये जो आप कलर ऑप्शन देख रहे हैं, ये है इसका प्लैटिनियम व्हाइट पर्ल, जो कि थोड़ा प्रीमियम रहता है बाकी कंपनियों के व्हाइट के मुकाबले। ये थोड़ा बेहतर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं जो किया आपको ऑफर करती है उसी के आसपास है। यहाँ पर आप देखिए, जो एलिवेट का अपना जो नया कलर ऑप्शन आया, इस प्रकार दिखाई देता है, बहुत ही शानदार। मुझे समझाना है ना, इसका कौन सा वेरिएंट आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब अगर आप बेस मॉडल लेंगे ना, यही गाड़ी का लुक मिलेगा। सबसे खास बात, आपको हेडलैम्प उसमें भी LED मिल रहे हैं। सिर्फ जो फॉग लैम्प है वो आपको सेकंड बेस मॉडल से मिलेंगे। जो हेडलैम्प है, फुल ऑन प्रोजेक्टर देने की कोशिश होंडा ने करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से पसंद की जाएगी। बाकी देखिए गाड़ी के फ्रंट का लुक, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड अपील है। क्रोम का मिनिमलिस्टिक यूज़ है, पियानो का ज़्यादा यूज़ किया गया। होंडा की बढ़िया सी यहाँ पर आपको बैजिंग मिलेगी। तो यहाँ पर होंडा ने अडास जैसा फंक्शन दिया है, जो कि फिलहाल अभी MG Aster और हुंडई क्रेटा में ही मिलता है। यहाँ पर उसी लाइन में जुड़ गई है आपकी होंडा।
अपनी होंडा सेंसिंग के साथ। तो ये है गाड़ी का पूरा अपील, बहुत ही शानदार। जस्ट अभी यहाँ पर इसका लॉन्च था तो भाई एक बढ़िया सी वाइब भी रही है, और कहीं ना कहीं दिन भर एक तरीके से लोगों ने इसको देखा है। जो फीडबैक आया वो आपसे मैं शेयर करते चलूँगा। बाकी गाड़ी के फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर नहीं है, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा गाड़ी की आगे की प्रोफाइल ना देखने में अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। उसके अलावा जो सबसे बढ़िया चीज़ जो हर किसी के ध्यान में आ रही है वो है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। 220 mm इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है। इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है जो इसको टक्कर दे पाए इस मार्केट में। और 220 mm मतलब कहीं ना कहीं जो थार में फॉर्च्यूनर में मिलता है यही लेवल का आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस साइज़ की गाड़ी में मिल रहा है। और इस प्राइस बजट यानी कि 11 लाख रुपये अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं तो ये चीज़ आपको दे रही है। बगल में देखिए ना, ये इसका सेकेंड टॉप मॉडल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही मिनिमल डिफरेंस। और ये है गाड़ी का लुक उस तरफ। प्राइसिंग आपको समझाऊं तो बेस मॉडल जिस तरीके से 11 लाख रुपए मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा है, जो कि 10.99 के मार्क में आपके सामने आ रहा है, जिसमें आपको जो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू है तो आपको TDS पे करना पड़ेगा, तो वो अलग मामला है। SV मॉडल है बेस मॉडल, जिसमें आपको होंडा का 1.5 IVTEC पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा। कोई भी इसमें अभी फिलहाल हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक का ऑप्शन दिया जाएगा। जो बेस मॉडल लेगा उसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। बाकी जो V मॉडल है वहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस है 12.11 लाख रुपीज़, 12,11,000 रुपये, यानी कि 1,10,000 रुपये का अंतर है बेस और सेकेंड बेस में। और यहाँ पर 13,21,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, 1,10,000 रुपये ज़्यादा पे करके आपको मिलेंगे ऑटोमेटिक के ऑप्शन। उसके साथ ही आपको VX जो कि सेकंड टॉप है, यहाँ पर आपको 13,50,000 रुपये 13.50 लाख रुपीज़ में मिल रहा है। उसके अलावा 14.60 लाख रुपीज़ में आपको ऑटोमेटिक दिया जाएगा। ZX जो आपके सामने है 14.90 लाख रुपीज़, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन दिया है 16 लाख रुपीज़ में। माइलेज की बात करें तो 15-16 KMPL आपको मैनुअल में मिलेगा। उसके अलावा 16-17 KMPL आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक है थोड़ा सा जो CVT है उसका जो गियरिंग है थोड़ी सी टॉल गियरिंग होती है, हाईवे में चलाने में ज़्यादा बढ़िया फ्यूल इकोनॉमी निकालेगी। उसके अलावा टॉक कन्वर्टर और AMT और इनके मुकाबले ज़्यादा स्मूथ राइडिंग भी आपको मिलती है। बाकी एक चीज़ और नोटिस करिए, गाड़ी में क्लैडिंग का जो यूज़ है वो भी भरपूर आपको मिलेगा। तो इस प्रकार की पूरी क्लैडिंग मिलने वाली गाड़ी में। और साथ ही अगर आप टायर प्रोफाइल और अलॉय के डिज़ाइन को देखें तो इस तरीके के टायर यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, जो कि ब्रिजस्टोन कंपनी के हैं, जो कि हैवी टेरेन है। और इस तरीके का डिज़ाइन आपको अलॉय में मिलेगा। मशीन कट है जो कि पियानो के साथ है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। उसके अलावा टायर का साइज़ आप देखेंगे 215/55 रेडियल 17, थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, लेकिन हाईवे के लिए यही ज़्यादा बेहतर रहता है, रोड नॉइस कम आएगी। और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी मदद से थोड़ा सा लो प्रोफाइल भी दिया है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ रही। उसके अलावा एलिवेट की बैजिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्सेसरी का पार्ट है। और गाड़ी के सनरूफ, यहाँ पर आपको सिंपल सनरूफ मिलेगी जो कि सिंगल टच आपको यहाँ पर ऑपरेशन देती है। एक शार्कफिन एंटीना, आप रूफ रेल देखेंगे इस प्रकार है। बाकी देखिए ना, बॉडी आपको एक तरीके से काफ़ी सॉलिड फील होगी, यही स्पेशल है होंडा के साथ, जो यहाँ पर आपको एस बॉडी स्ट्रक्चर मिलती है। एडवांस कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग, सेगमेंट में बहुत ही कम गाड़ियाँ, कुछ जर्मन गाड़ियाँ हैं, वही आपको सेफ्टी दे पाती है। उसके अलावा ये जो होंडा आई है ना, ये सेफ्टी देगी, कहीं ना कहीं 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग श्योर है इसकी। आप लिख के ले लीजिए, 5 स्टार की भारत NCAP रेटिंग इस गाड़ी को मिलने वाली है। उसके साथ ही IVTEC की बैजिंग के साथ ये गाड़ी आपको 121 हॉर्स पावर 145 Nm का टॉर्क, जो कि अपने सेगमेंट में अगर आप नॉन टर्बो इंजन देखते ना, जिसमें कोई टर्बो का झमेला नहीं है, सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन, सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन, डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, और साथ ही VTC टेक्नोलॉजी के साथ अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन है। पुरानी होंडा सिटी में देख लीजिए, आज तक कोई भी दिक्कत नहीं। तो रिलायबिलिटी के मामले में इस इंजन का कोई भी मुकाबला नहीं है। आपको ले चलता हूँ कुछ और चीज़ें दिखाने, तो वो शुरुआत होगी इसके बूट स्पेस से। 458 लीटर का बूट स्पेस, सेगमेंट में सबसे बड़ा है बूट स्पेस, देख लो किस तरीके के बूट स्पेस है। तो यहाँ पर आपको 458 लीटर का शानदार सा बूट स्पेस मिलने वाला है, जो कि इस तरीके का मिलेगा। देख रहे हैं आप, इस सेगमेंट में इससे बड़ा बूट स्पेस कोई भी कंपनी नहीं दे रही है। 458 लीटर यानी कि 450 से भी ज़्यादा। जो भी फैमिली यहाँ पर आई ना, सब ने अप्रिशिएट करा इसे, और बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि बूट भी अच्छा है, अंदर स्पेस भी अच्छा है, और बाकी क्या चाहिए। आगे आप देख रहे हैं 10.25 इंचेस की स्क्रीन, इसकी अलग अलग से वीडियो बनाई है, आपको सारी वीडियो देखनी है और मुझे बताना है कि होंडा ने कहाँ पर क्या स्पेशल दिया है। उसके अलावा ये देखिए इसके सनरूफ, ये देखो इसका बूट, 40-60 का ऑप्शन भी रखा है। थोड़ा देखेंगे नीचे स्पेयर व्हील, तो ये बेसिक स्पेयर व्हील है। टूल किट आप देखेंगे, प्रॉपर देखिए सीलेंट का इस्तेमाल किया गया है। अंदर पेंट की क्वालिटी, प्राइमर भी प्रॉपर अप्लाई किया गया है। क्लैडिंग देखेंगे कुछ, यहाँ पर आपको हुक मिलेगा, यहाँ पर एक हैलोजन लैंप है जो कि LED हो सकता था। उसके अलावा इस साइड भी एक हुक है, ये क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे शानदार सी क्लैडिंग, ये देखेंगे क्लैडिंग।
तो ना वेट जो गाड़ी में है ना वो एलिवेट है, वेट से ही आप कह सकते हैं, मतलब जो क्वालिटी फील होती ना है इस गाड़ी के साथ, और बढ़िया तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। बाकी पीछे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा स्लोपिंग रखा गया है, तो थोड़ा सा एक कूपे इंस्टांस आएगा। उसके साथ ही गाड़ी में आप देख रहे होंगे सी और डी पिलर एक साथ यहाँ पर मिला दिए गए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी कंपनियाँ यहाँ पर एक ग्लास दे देती है, तो होंडा ने ऐसा नहीं करा, इसको सीधे सीधे मिला दिया गया, जिससे गाड़ी की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप होंडा के स्टेटमेंट देखेंगे जहाँ पर सेफ्टी में उन्होंने बात करी है, क्लियरली बताया क्या कुछ मामला है। बाकी गाड़ी की लंबाई 4312 है, अगर आप क्रेटा के देखेंगे 4300 mm है, 12 mm ज़्यादा लंबी है गाड़ी क्रेटा के मुकाबले, तो वो स्पेशल है। उसके साथ ही ये देखो इस गाड़ी की साइड की रनिंग बोर्ड, मतलब क्लैडिंग ना बहुत अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करा है। अगर आप थोड़ा पहाड़ों में रहते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से ओवरहैंग देखेंगे इसका, ज़्यादा नहीं है, रैंप में चढ़ाना है, रैंप से उतारना है, यही सब चीज़ें देखी जाती है। और गाड़ी का ओवरहैंग मतलब टायर से लेके आगे बम्पर की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, जिससे गाड़ी आगे टच ना हो, तो वो चीज़ का ध्यान यहाँ पर होंडा रख रही है, ये देख लीजिए। और ये है इसका VX मॉडल, बाकी कमी कुछ नहीं छोड़ी है इसमें, मतलब बेस मॉडल 11 लाख रुपए में सभी कुछ देने की कोशिश कर रहा है। अब जितनी प्राइसिंग है उसके सेंस से आपको टॉप एंड मॉडल फिर थोड़ी और बेहतर चीज़ देगा। अब चलते हैं सीधे बारीकी से समझने में और क्या क्या इसमें यूज़ किया गया। मुझे दिखाना था आपको सारा, टेल लैंप दिखाया, डिफॉगर, वॉशर, वाइपर, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी रखी गई है। उसके साथ ही कैमरे का प्लेसमेंट ये रहेगा, लेन वॉच कैमरा भी रहता है इसके साथ, तो ये इसका एक प्लेन वॉच कैमरा रहेगा। बाकी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बटन है, और साथ ही यहाँ पर होंडा ने ना चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करी है, मतलब यहाँ पर जो की होल है उसको इसके अंदर ना प्लेस करके यहाँ प्लेस कर दिया गया, जिससे एक एडिशनल जो लैच है उनका बच जाए, तो वो एक अलग मैटर है आपका क्या पॉइंट है इसमें, डायरेक्टली उन्होंने यहीं पर डाल दिया है। वो चाहते अगर यहाँ डालते तो एक लिंक यहाँ पर लगाना पड़ता, वो लिंक ना लगाना पड़े इसलिए सिंपली इसको रखा है। 360 डिग्री कैमरा, ये सारी चीज़ें इसमें भी नहीं ऑफर की गई है। और साथ ही देख लेते हैं आपकी होंडा एलिवेट किस प्रकार के इंटीरियर देती है। डोर्स में वेट काफ़ी शानदार है, मतलब जो क्वालिटी होंडा प्रीमियम जाना जाता है जिसके लिए चीज़ के लिए वो बिल्कुल है इसमें, कहीं से भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगेगा आपको। और ये देखिए इसके पूरे डैशबोर्ड को, बहुत ही प्यारी सी थीम यहाँ पर रखी गई है। आप टॉप एंड मॉडल है तो सारे फंक्शन मिलेंगे, बेस मॉडल में आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ब्रेक ओवरराइड सिस्टम, यानी कि ब्रेक और एक्सीलेटर अगर एक साथ दबा रहे हो तो ब्रेक ही लगने वाला है। उसके साथ व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ये इसके बेस मॉडल से फंक्शन आपको मिलेंगे। अगर आप वी मॉडल लेंगे जो कि 12,11,000 रुपये एक शोरूम में है, उसमें आपको थोड़े जो होंडा कनेक्ट के फीचर है, 8 इंच की स्क्रीन, 4 स्पीकर और CVT की ऑप्शन जो ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, और रियर कैमरा वो मिल जाएगा। और साथ ही जो VX मॉडल लेना चाहते हैं, सेकंड टॉप मॉडल, 13.5 लाख रुपये एक शोरूम, और अगर ऑटोमेटिक में चाहते हैं तो 14.60 लाख रुपीज़ आपको VX मॉडल देने लग जाएगा। फॉग लैम्प का ऑप्शन LED में, बेस मॉडल से आपको LED हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं करनी है, सारी चीज़ें टॉप एंड मॉडल वाली बेस में भी। उसके साथ ही 17 इंचेस के आपको डायमंड कट अलॉय का ऑप्शन मिलेगा, लेदरेट आपको स्टेयरिंग व्हील जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कवरिंग वो आपको सेकंड टॉप से भी मिलेगी। उसके साथ ही 6 स्पीकर का सिस्टम मिलेगा, ऑटो फोल्डिंग ORVM आपको सेकंड टॉप दे रहा है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, AMIL लाइटिंग जो आप यहाँ पर अभी देखेंगे वो चीज़ें हैं, उसके साथ ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जो लेन वॉच कैमरा देखा वो भी सेकंड टॉप देने वाला है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर वॉशर, वाइपर, 7 इंच के TFT जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो भी आपको सेकंड टॉप VX मॉडल देगा। और कुछ और फंक्शन वो समझाता हूँ। बाकी ये जो 10.25 इंच की स्क्रीन है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा जो इसका ZX मॉडल अभी आपके सामने है, जिसमें आपको ये चीज़ मिलेगी, 8 स्पीकर मिल जाएंगे, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, उसके साथ ही रियर में जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं वो मिल जाएगा इस मॉडल में, कुछ वैनिटी मिरर्स और 6 एयरबैग और कुछ और फंक्शन जैसे कि ADAS मेन फंक्शन है वो चीज़ रहने वाली है। इसकी अलग अलग सी वीडियो बनाई है जिसमें आपको कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम है, क्रूज़ कंट्रोल आपको डायनेमिक मिल जाएगा यानी कि आगे वाली गाड़ी को फॉलो करते हुए चलेगा, और साथ ही आपको जैसे डायनेमिक क्रूज़ कंट्रोल मिलता है तो आगे वाली गाड़ी को फॉलो कर रहा है, अगर वो गाड़ी ने अगर अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करी तो आपको वार्निंग मिलेगी, वो भी फंक्शन है। उसके साथ ही आपको जो लेन डिपार्चर मिटिगेशन सिस्टम है वो रहेगा, साथ ही आपको ऑटोमेटिक हाई बीम के फंक्शन है। तो ये तो ना वेरिएंट वाइज प्राइसिंग रही, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जिसको थोड़ा कुछ अच्छा सा चाहिए तो सेकंड बेस ले लीजिए या फिर बेस ले लीजिए, सही है। जिसको सब कुछ चाहिए तो ZX से बढ़िया कुछ भी नहीं है, सारे फंक्शन आपको दे रहा है। अंदर बैठ के देखते हैं, यहाँ पर ये प्लास्टिक, थोड़ा अलग प्लास्टिक, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का फंक्शन है, कुछ टैन फिनिश में लेदरेट का ऑप्शन दिया गया है। इस साइड देखेंगे हार्ड टच है, कुछ आपको यहाँ पर गन मेटल फिनिश प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक है, सारा कुछ यहाँ पर सॉफ्ट टच है, कुछ आपको सारे फंक्शन ऑटो डाउन के फंक्शन ये रहेंगे, कुछ आपको लेदरेट के फंक्शन, 8 स्पीकर आपको इस मॉडल में, इससे नीचे 6 स्पीकर, उससे नीचे 4 स्पीकर। क्लैडिंग देख रहे हैं आप कितनी भरपूर मात्रा में है। गाड़ी की अंडर बॉडी आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना देख पाते हैं, तो ये है सस्पेंशन, नॉर्मल है पीछे टॉर्जन टाइप,
और ये है गाड़ी की प्रॉपर जो अंडरबॉडी है, ये देख लीजिए बहुत ही सही। कल से इसकी ना बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर देंगे। और अभी एक क्विक जो वॉक अराउंड है, जो प्राइसिंग समझने वाली बातचीत है वो है, बाकी पीछे आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन रहेगा। बॉडी में कर्व्स क्रेजेस भर भर के रखे गए। सीट्स आपको हाइट एडजस्टिंग फंक्शन देगी मैनुअली, ये चीज़ है। सीट्स में कुशनिंग बहुत अच्छी दी गई है, होंडा सिटी में जो खास बात है वो चीज़ इसमें आई है। और इसकी प्राइसिंग ना होंडा सिटी से कम रखी है बेस मॉडल में। उसके साथ ही अगर आप डोर थर्ड की बात करें तो डोर थर्ड भाई बहुत सही है गाड़ी की। जो खास चीज़ होंडा में अलग है वो यही सब चीज़ है कि ये ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो शीट मेटल है, पैनल की क्वालिटी है बिल्कुल सही। अंदर देखेंगे ये कुछ डैशबोर्ड है, कहीं ना कहीं ना होंडा सिटी की याद आएगी इसको देख के, अच्छा लगता है। ये कुछ आपको वुडन फिनिश जो कि इस प्रकार मिलेगी। नीचे देखेंगे टैन फिनिश, ये बेसिक है आपको। 10.25 इंचेस की स्क्रीन, इसकी अलग सी वीडियो बनाई है वो दिखाता हूँ अभी। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 7 इंच का क्लस्टर, साथ ही देखेंगे ADAS के फंक्शन जो होंडा सिटी में है सेम टू सेम वही रहने वाले हैं। और होंडा की बैजिंग, कोई भी डी कट स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन जो साइज़ है फील है बहुत ही ज़्यादा चंकी, और जो एक प्रीमियम गाड़ी में चाहिए वो सब कुछ है। अंदर देखेंगे इस प्रकार आपको यहाँ पर प्रॉपर डैशबोर्ड दिखेगा। IRVM सिर्फ टॉप एंड मॉडल में, सनरूफ का ऑप्शन सेकंड बेस मॉडल से, तो ये एक अलग चीज़ है ना। मतलब बेस मॉडल से ऊपर आते ही आपको सनरूफ मिल जाए वो अलग बात। साइड कर्टेन एयरबैग्स सारे आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टिंग फंक्शन नहीं है सीट में, बेसिक मिलेगी। लेकिन जो सीट्स में कुशनिंग है वो बहुत अच्छी दी गई है। आपको यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स, काफ़ी कंपनियाँ जो 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स देती है, यहाँ पर एक प्रॉपर 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स मिल रहा है, काफ़ी सही। और साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा एक ग्लोव बॉक्स का ऑप्शन, और साथ ही यहाँ पर एक आर्मरेस्ट, उसके साथ यहाँ पर आपको एक हैंड ब्रेक का ऑप्शन रहेगा। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब गाड़ी ने बनाई इस तरीके से गई है कि जो प्रीमियम कस्टमर इस गाड़ी को लेना चाहता है उनके पास इससे बेटर ऑप्शन फिर कुछ ना रहे। उसी तरीके से मेरा अगर आप हेडरूम शोल्डरूम देखें तो प्रॉपर हेडरूम है, शोल्डरूम है। गाड़ी की खास बात ही है स्पेस, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम जो इनकी फिलॉसफी है जैपनीज में, किसी भी गाड़ी के साथ आप जाइए वो होंडा देती है वो है। उसके साथ ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, थोड़ा बहुत अगर आप इंजन बे की ओर चले तो यहाँ पर आपको इंजन बे दिखाते हैं। उसके अलावा जो की फॉब है वो आपने यहाँ पर देख ली, किस प्रकार की शानदार सी की फॉब मिलती है। हाँ, अगर जिस तरीके से पुरानी होंडा सिविक में मिल जाता रिमोट इंजन स्टार्ट, तो ये ऑप्शन और बढ़िया इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, नहीं तो उसके अलावा काफ़ी सही से फंक्शन है। इंजन बे का लैच रखा गया नीचे, जल्दी से चलते हैं। तो टायर का साइज़ भी 17 इंच के साथ काफ़ी सही। और साथ ही ना होंडा एलिवेट की जो सबसे खास बात है वो है इसकी राइड क्वालिटी। और यहाँ पर देखिए इसका इंजन, ये भाई इनका 1.5 IVTEC इंजन, 121 हॉर्स पावर, 145 NM टॉर्क, अपने सेगमेंट की सबसे अच्छी पावर अगर आप नॉन टर्बो इंजन को चाहते हैं, और टर्बो चार्जर का झमेला आपको नहीं चाहिए। आगे देखेंगे इसका इंटेक मैनिफोल्ड है, पीछे देखेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इग्निशन कॉइल आप देखेंगे, एयर फिल्टर यहाँ पर है, बैटरी यहाँ है, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ है। नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग की गई है, वो भी सही चीज़ है। उसके साथ ही यहाँ पर आप इसकी सारी जो माउंटिंग है वो देखेंगे, ABS का मॉड्यूलेटर है। इस साइड देखेंगे आपको जो मड फ्लैप है वो दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो सस्पेंशन की सारी माउंटिंग्स है वो दिखेगी। कैबिन को थोड़ा साइलेंट बनाने के लिए यहाँ पर की गई है प्रॉपर इंसुलेशन, तो ये रही। आगे भी देखेंगे थोड़ी बहुत क्लैडिंग, और यहाँ पर एयर इनटेक का इसका पूरा सिस्टम है। और इस साइड से देखें थोड़ा बहुत जो चैसी है वो आपको मड फ्लैप के ऊपर कवर होती हुई दिखेगी। तो ये रही गाड़ी बाहर से। बोनट का वेट ठीक है, और VX मॉडल को भी जल्दी से देख लो, इसमें भी आपको जो RVM है फोल्डेबल मिल ही रहे हैं। और इसके अगर आप डोर हैंडल देखें ऐसे है, इसमें जो की का होल है वो भी उसी प्रकार रखा गया है। यहाँ पर आप देखें ADAS के फंक्शन गायब हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ टॉप एंड मॉडल में है। इसका जो एनिमेशन है सेम टू सेम जो उस गाड़ी में है, यानी कि जो 7 इंच की आपको यहाँ पर TFT के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इस तरीके से होंडा सिटी वाला ही सेम टू सेम वो रहने वाला है। फंक्शन फीचर क्या है, और यहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन जो कि काफ़ी जल्दी यहाँ पर नेविगेशन आपके सामने ला सकती है, ये रहने वाली है। और फंक्शन फीचर इसके भी आपको समझाते हैं। यहाँ पर आपको फैब्रिक में मिलेगा आर्मरेस्ट, इसके सनरूफ का साइज़ भी आप देख लीजिए, और आपको दिखाते हैं ये लेन फंक्शन, जो उधर का कैमरा है वो आपके सामने ओपन कर देगा, जो इस मिरर के नीचे आपका कैमरा प्लेस किया गया है। और साथ ही साथ अगर आप इसके रियर सीट्स को देखना चाहें तो इस प्रकार की आपको यहाँ पर रियर सीट मिलेगी जिसमें फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया। ये इसका VX मॉडल है, तो फैब्रिक से भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। मेन चीज़ है कि पीछे 3 लोगों के बैठने की स्पेस होनी चाहिए, तो वो है इसमें, काफ़ी इजीली 3 लोग इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके की आप चीज़ें यहाँ देखेंगे। रियर में AC वेंट, छोटी सी टनल आपको मिलेगी, हेडरूम गाड़ी में काफ़ी है, रीडिंग लैम्प भी एक रखा गया एडिशनल, सनरूफ आप यहाँ पर देख ही रहे। उसके साथ ही अगर एलिवेट के टॉप एंड मॉडल को देखना चाहते हैं तो इस तरीके का आपको यहाँ पर ये मिलेगा। अब ये जो टैन फिनिश है ना लेदर रेट में, इससे अलग ही फील आ जाती है। तो ये थोड़ा जो लोग और प्रीमियम फील चाहते हैं, टॉप एंड मॉडल में जाइए, सारे फंक्शन लीजिए।
आर्मरेस्ट का फंक्शन दिख रहा है तो कप होल्डर के साथ है। बैठ के देखते हैं इसके अंदर किस तरीके की चीज़ें हैं, ये देखेंगे सारी चीज़ें जो फ्रंट डोर में है वैसी ही कॉपी की गई है। आगे से आप यहाँ पर डैशबोर्ड देखें तो इस प्रकार का इसका फ्रंट का डैशबोर्ड जो कि ऐसा लगेगा। इस तरफ देखेंगे इसकी आप सनरूफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे एसी वेंट को यूज़ किया गया है। बाकी अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखें तो इस प्रकार का अपना हेडरूम शोल्डर रूम रहने वाला है। गाड़ी में स्पेस इतना है तो मैं एक हाथ एक्सटेंड करूँ तो दो लोग इसमें आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तीन लोगों के लिए भी स्पेस इसमें सही सी है। बाकी लेगरूम की गाड़ी में कोई कमी नहीं है, वही चीज़ अप्रिशिएट करेंगे आप जो ये सारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडरेस्ट, ये होंडा सिटी सेम वही फील कराता हुआ प्रीमियम सा लुक मिलेगा। और ये जो आप IRVM देख रहे हैं ये भी बढ़िया सा लुक दे रहा है। बाकी यहाँ तक तो आपने देखा ना क्या ये गाड़ी का पैकेज है, डिज़ाइन सेंस में गाड़ी बिल्कुल पास है। आप बताइए क्या आप इस गाड़ी को लेना चाहेंगे क्रेटा और सेल्टॉस के मुकाबले, क्योंकि कहीं ना कहीं होंडा का भरोसा, होंडा का जो फिट और फिनिश का मामला है, पैनल की क्वालिटी है, जो ओवरऑल सेफ्टी है गाड़ी की वो थोड़ी ज़्यादा ही है कंपटीशन के मुकाबले। हाँ, जो जर्मन कंपनियां स्कोडा और आप फोक्सवैगन में देखें वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी है, लेकिन एक थोड़ा सा और सेफ्टी आप चाहते हैं कुछ और रिलायबिलिटी फैक्टर को जोड़ के तो होंडा सामने आ रही है। ऑप्शन कैसा है आपकी राय मुझे जाननी है। उसके अलावा सारे कलर प्रोफाइल जो होंडा ने हमसे शेयर करे हैं इस तरीके के सारे कलर ऑप्शन आपके सामने हैं। जो टॉप आप देख रहे हैं फोनिक्स ऑरेंज पर्ल, ये मैंने अभी दिखा दिया। इतने सारे कलर ऑप्शन जैसे जैसे शोरूम में हमारे आएगी वो आपके सामने अपडेट में लाएंगे। डुअल टोन के ऑप्शन भी है, बेसिक कलर ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर डायमेंशन आप समझना चाहे तो इस तरीके के इंजन ऑप्शंस और जो डायमेंशंस है वो आप देखने वाले हैं, सबको सही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है। व्हील बेस देखेंगे 2650 mm जो कि विटारा के मुकाबले ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस 458 लीटर का। और थोड़ा जो लोग एस बॉडी स्ट्रक्चर और उन चीज़ों को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो ये होंडा सेंसिंग के फंक्शन है। पहले तो इसमें कुछ इतने फंक्शन है, 6 एयरबैग और ये तो इसके टॉप एंड मॉडल की बातचीत है। बाकी उसके अलावा ये 10.25 इंच की स्क्रीन, और साथ ही साथ अगर आप ऑन रोड कीमत की बात करना चाहते हैं कि क्या प्राइसिंग इसकी रहेगी, कल प्राइसिंग वैसे इसकी आ जाएगी, यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है आपके सामने। जो मॉडल आज मैं स्टडी कर रहा हूँ 14,90,000 रुपये एक शोरूम इसकी प्राइस है, और अगर थोड़ी चीज़ें जोड़ के इसमें रखे तो 17 लाख से 17.5 लाख रुपये के बीच में इसकी प्राइसिंग आएगी। तो आप मुझे बताइए कैसी लगी गाड़ी आपको। काफ़ी क्विक अपडेट मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी। होंडा एलिवेट है, हर किसी को इंतज़ार था, और अपने में एक प्रीमियम चीज़ है तो हर किसी का ध्यान ऑटोमेटिकली खींचने वाला है, और होंडा अच्छा कर लेगा इस गाड़ी के साथ। अब जो फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं उसके बाद देखिएगा गाड़ी रोड में कितना ज़्यादा आपको अच्छे से दिखेगी। मुझे फिलहाल काफ़ी सही लगी। टॉप एंड मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल एक साथ देख लिया, साइड में देखेंगे होंडा सिटी भी है। बाकी आज ही इसका लॉन्च भी था तो ये सारी जो कलाकारी है कार्यक्रम है वो आप देखने वाले हैं। कल से इसकी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, टाइम निकाल के बनाएंगे, जो एक्सेसरी फ्रंट है, क्या क्या प्राइसिंग हो सकती है, कौन सा फीचर कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या खास लगा इस गाड़ी में कमेंट करके बताना, और इसके कंपटीशन के मुकाबले इस गाड़ी को आप कितनी रैंकिंग देना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइएगा। गाड़ी अच्छी बनाई है, डिज़ाइन बिल्कुल इंटरनेशनल है, जो कि इंडिया से बाहर होंडा दे रही है, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, जो कि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है वही चीज़ होंडा ने यहाँ पर रखी। फ्रंट का लुक गाड़ी का जो पायलट आपको अमेरिका की मार्केट में होंडा देती है वही लुक दिया है। रियर का प्रोफाइल जो आप WRV में देखते हैं, HRV के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा स्लोपिंग लुक, वो एरोडायनेमिक भी है, गाड़ी को एक तरीके से हाई स्पीड में ज़्यादा टर्बुलेंस भी क्रिएट नहीं होता है गाड़ी के पीछे, रोड नॉइजेस भी कम होते हैं, वो सारी चीज़ों का ना इंजीनियरिंग में ध्यान रखा जाता है। बाकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के हिसाब से बनाया गाड़ी को, जो होंडा सिटी के कस्टमर थोड़ा सा ख़राब रोड में परेशान हो जाते हैं वो लोग इसमें आसानी से अपग्रेड कर लेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आएगी। और जो इंजन परफॉर्मेंस की उनको आदत है, जो होंडा सिटी का इंजन उनको पसंद आता है, वो चीज़ इसमें मिल ही रही है। इस गाड़ी को रैंक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कल से इसकी और वीडियो बनाते हैं। प्राइसिंग 17 लाख रुपये से लेकर 17.5 लाख रुपये इस मॉडल की ऑन रोड है, कल फाइनल प्राइस बताएंगे। उसके अलावा कमेंट में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, और प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। बेस मॉडल 11 लाख रुपये, टॉप एंड मॉडल 16 लाख रुपये आपको ऑटोमेटिक के साथ, और 14,90,000 रुपये आपको इस मैनुअल के साथ मिलेगा। ज़्यादा लोग इसके मैनुअल में जाना चाहेंगे, लेकिन डिमांड फिलहाल ऑटोमेटिक की भी बढ़ रही है, उसके अलावा मैनुअल के साथ आपको अडास मिल ही रहा है तो वो जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, प्राइसिंग बच जाएगी आपकी, वो अच्छा चीज़ है। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।